जय हिंद। आज के टॉपिक में आप बात करोगे क्लास टेंथ की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। आज हम बात कर रहे हैं ये जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसमें हम बात करेंगे धातु कार्बोनेट क्या होता है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक अभिक्रिया मैं कराता हूँ, जैसे है Na2CO3। जैसे क्या है Na2CO3, ठीक Na2CO3 प्लस 2HCl। आप ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगला है NaHCO3 और प्लस आपका ये हो जाएगा HCl। चलो इससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आप पहले तो ध्यान देना, अगर किसी ने आपसे पूछा कि इन दोनों अभिकारक में से यानी दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है और धातु कार्बोनेट कौन सा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, ठीक है। दोनों अम्ल है, ये दोनों अम्ल है। तो यहाँ धातु कार्बोनेट, पहले आप अच्छे से हेडिंग को समझो, आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझिए, ठीक है। चलिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे यानी वाशिंग सोडा बोलते हैं, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा, ठीक है। Na2CO3 ये कपड़ा धोने वाला सोडा है, वाशिंग सोडा है। और ये क्या है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, यानी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसमें H माने बाई माने बगल में, N के बगल में बीच में H लग गया, इसलिए हम लगा दिया बाई। यहाँ नहीं है तो मैंने बाई नहीं लगाया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी इसको हम बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा, ठीक है। हम धावन सोडा बोलते हैं, ठीक है, इसे हम धावन सोडा बोलते हैं यानी हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा। इतना बात आप समझ पाए, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट कौन सा है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा है। चलिए अब आप ये बताओ, सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम प्लस चार्ज होता है तो धातु है ना। आप अच्छे समझो कि यहाँ पे सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज, सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज, धातु यहाँ पर भी है, धातु यहाँ पर भी है, इतनी बात आप समझ पाए। लेकिन आप ये देख रहे हो धातु के बगल में हाइड्रोजन है, यहाँ पे नहीं है। Na के बगल में, धातु के बगल में, यहाँ बीच में, यहाँ H नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, बट आपको यहाँ बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, H नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम बोलेंगे धातु कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बोनेट के आयन से, मेरे कहा सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम क्या है, धातु है। अब जो ये धातु आप देख रहे हैं ना, ये धातु है, क्या है, ये धातु है। और ये क्या है, कार्बोनेट, ये क्या है, कार्बोनेट, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए ना कि ये धातु है, ये कार्बोनेट है। लेकिन यहां पे H अगर होता तो मैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलता, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। अब आप देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु है यहां पे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। तो उसी इन दोनों को, धातु कार्बोनेट को और धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट को हम अम्ल से क्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं हम क्रिया? अम्ल से कराते हैं। चलो ध्यान देते हैं, अब हमने अम्ल से HCl क्या है, एक प्रकार का एसिडिक मीडियम है, एक प्रकार का अम्ल है, तो हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, यहां अम्ल है, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, चलो इस समय तो पहले हम करा लेते हैं किसका, हम धातु कार्बोनेट का कराते हैं, ठीक है। आप इतनी बात तो समझ पा गए होंगे अच्छे से, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो आप फिर से रिवर्स वीडियो को फिर से रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे सी है, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे धातु है और यहां पे कार्बोनेट है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला गया। इतनी बात आप समझ पा गए होंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां क्या है कि जब मैंने धातु कार्बोनेट को जब हमने अम्ल में मिलाया, यानी जब हमने अम्ल में मिक्सिंग किया, तो क्या बन गया, 2NaCl, 2NaCl, क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आगे दो है तो क्लोरीन भी दो हो गया, और सोडियम के पीछे दो है तो सोडियम भी दो होगा, यानी क्लोरीन भी दो हो गया, सोडियम भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, सोडियम भी दो हो गया, तो बताओ यहाँ बैलेंस ही पूरा हो गया। तो यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बच रहा है, अब आगे बनेगा क्या, यहाँ H2 है तो चलो प्लस करके हम क्या लिखते हैं, H2, जहाँ यहाँ H2 बचा था यहाँ चला गया H2, और यहाँ से मैं एक ऑक्सीजन को लेता हूँ, जब मैंने एक ऑक्सीजन को ले लिया यहां पे, तो कितना ऑक्सीजन बचा, दो ऑक्सीजन बचा, जब दो ऑक्सीजन बचता है तो कार्बन को मैं लेके आऊंगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। आप जान पाए ना बैलेंसिंग, जैसे कि फिर सुन लीजिए आप कि सोडियम क्या है, दो है, सोडियम दो है, क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है, H क्या है, दो है, तो मैंने H2 लिखा, यहाँ पे O कितना है, तीन है, तो मैंने यहाँ से एक ठो निकाल के यहाँ किया तो एक ठो यहाँ O घट गया, तो CO2 यहाँ बचा, मैंने यहाँ पे रख दिया। इतनी बात आप समझ पाए, अगर आप एग्जाम टाइम में अगर आपने थ्योरी लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया, बट रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं हुई, तो समझ लीजिए एग्जामिनर आपके पूरे टोटल रिएक्शन को क्रॉस कर देगा, यानी काट देता है, क्रॉस कर देता है, यानी आपको करने से बिना विदाउट बैलेंसिंग की आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बर्बाद है। चलिए आगे चलते हैं, उसी प्रकार ये भी है NaHCO3, यानी इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो भाई खस्ता वस्ता बनाने में, कचौड़ियाँ बनाने में तो उसको काम देता है ये, ठीक है। तो बालूशाही वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छा काम देता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम के आगे पीछे कोई दो है, यहाँ दो था बट यहाँ दो नहीं है, तो यहाँ ए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो NaCl क्या आ गया, NaCl, प्लस कर दीजिए। अब NaCl, क्लोरीन एक है, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, इतना बात आप समझे। और यहाँ पे क्या, H क्या है, दो है, दो, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, जब मैं एक H इसको और एक इसको दोनों मिलाऊंगा तो बताओ H2 हो जाएगा, इतना हो गया। और उसके बाद में मैंने फिर से यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर मैंने प्लस किया तो मेरे पास एक कार्बन दो ऑक्सीजन बचा था, तो मैंने यहाँ पे CO2 लिख दिया। इतनी बात आप समझ पा गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इतनी बात आप समझ पाए। लेकिन अब बताइए, जब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे प्राप्त हो रही है, मिल रही है, उससे मैं करूँगा क्या, करेंगे क्या आप, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ से उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कराया जाता है, कहाँ भैया, चूने के पानी में, यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2, मतलब कहने का मतलब ये है कि चूने का पानी है जो यहाँ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, तो उसको मैंने लिया कहाँ पे, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, उसको फेंकना नहीं है, फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। अब यहाँ CO2 यूज़ कर लिए तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, ठीक है, लाइम वाटर, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो बुझा हुआ जो चूना होता है, जो लोग सुरती सुपारी में पान में लगा के खाते हैं चूना, वही चूना है ये, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, अब बनेगा CaCl, क्या है, एक है, तो Ca लिख दो, इसकी बैलेंसी आ गई, तो CO3, यहाँ CO2 है तो CO
थ्री में करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर दो लगा हुआ है, तो दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। जब मैंने एक ठो दो था, यहाँ मैंने जब एक ठो इसको लिया तो बताओ क्या बनेगा आपका, यहाँ तो बन गया, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। मतलब कि इसी के चूने के पानी से जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया तो CaCO3 बन गया। यानी जो यही जो CaCO3 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोले, खड़िया माने चाक, चाक भी बोल दिया मैंने इसको, और मैंने क्या बोल दिया इसको, संगमरमर भी बोल दिया मैंने इसको, और मैंने क्या चूना पत्थर भी बोल दिया। तो ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, आप समझ में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी धातु जो अभी एक बार मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाकर और प्लस CO2 एवं जल बनाते हैं। यानी अगर इससे अभिक्रिया हो रही है, यानी कोई भी धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी देखो ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, आप चैप्टर ही पढ़ रहे क्या, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। यो अम्ल है और ये क्या है भैया, क्षार है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अम्ल है क्षार है दोनों मिलकर क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और लवण बनेगा तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बेहतर तरीके से निकलेगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप कहोगे लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अब एक मैं आपको, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मैं एक ऊपर में जो लिखा हूँ इसको हम लिख सकता हूँ मैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं कह दूँ कि देखो धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट ऑब्लिक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट जब इसे अभिक्रिया कराया गया, सॉरी प्लस क्या मैंने लिया, प्लस क्या मैंने अम्ल लिया, जब मैंने प्लस क्या लिया, अम्ल लिया, अम्ल लिया, तो जब मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो बनता क्या है, आप जानते हैं यहाँ देख रहे हैं लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एक लवण बनता है, लवण बनता है और प्लस क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, प्लस कार्बन डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई धातु कार्बोनेट या कोई धातु, या हम धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे या धातु हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो वो अम्ल भी लेना पड़ेगा, तो अम्ल की उपस्थिति आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इतनी बात को आप अच्छे से आसानी से लिख लीजिए, अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक के पास चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगली आपकी हेडिंग जो बन रही है उसका नाम है अम्ल एवं क्षारकों से परस्पर अभिक्रिया, अम्ल और क्षारकों से अभिक्रिया, अम्ल और क्षारकों से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस,
देखिए ध्यान दीजिएगा, अम्ल द्वारा क्षारक तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मान लीजिए अम्ल है, अगर अम्ल में अगर आप क्षार को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, उसका जो प्रेक्षित प्रभाव होता है तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरीके से। जैसे मैंने कहा NaOH, ये क्या है, कास्टिक सोडा है, इसे मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसमें हम प्लस HCl मिलाऊंगा तो क्या बनेगा। देखो आप बेहतर तरीके से आप सीख सकते हो, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। आप देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बस आपको पढ़ना है, समझना है ये सारी बातों को। चलिए इसमें बने क्या, अब यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस है माइनस है, NaCl क्या बन गया, NaCl साल्ट बन गया, और मतलब कि क्या बन गया, लवण बन गया, और H2O क्या बन गया, प्लस H2O, मतलब कि NaCl और 2H हो गया, एक ऑक्सीजन H2O बन गया। तो यहाँ पे क्या है, ये क्षार है, और ये क्या है, ये आप देख रहे हैं अम्ल है, आप देख रहे हैं, मैं आपको बताया था जहाँ OH होता है उसे हम क्षार कहते हैं, जहाँ Cl- माइनस जहाँ H की मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये अम्ल है और ये क्षार है, जब किसी क्षार में अम्ल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण, ये क्या बन गया, नमक बन गया, साल्ट बन गया, क्या बन गया, साल्ट, नमक बन गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये लवण का निर्माण होता है, उसके साथ जल भी निकलता है। इतनी बात आप सीख पाए होंगे। आप जानते हैं उदासीनीकरण, एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण, उसको भी आप देख लीजिए, उदासीनीकरण, फटाफट हाई स्कूल वाले फटाफट तैयारी करिए, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ध्यान दीजिएगा, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मैंने कहा मान लीजिए कोई क्या है, क्षारक है, ठीक है, क्या है, कोई क्षारक है, और मैंने क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्षारक के साथ अम्ल में मिलाने पर, ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल में क्षारक के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, उसी घटना को हम उदासीनीकरण कहते हैं। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं, ये समानता क्या है, अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं, आप जानते हैं अम्ल खट्टा होता है, क्षारक कड़वा आता है, इतना आप जानते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अगर मान लीजिए किसी विद्युत धारा में अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर जैसे कि हम एक बात आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए जो आपकी हेडिंग थी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं, अम्ल एवं क्षारक में क्या समानता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं HCl, जो HCl होता है उसमें क्या होता है, Cl- होता है, इतनी बात आप समझ पाएं, और जो क्या होता है HNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसमें जो निगेटिव चार्ज होता है उसमें होता है NO3-, और ये क्या होता है CH3COOH, CH3COOH, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, और क्या है H2SO4 में क्या नेगेटिव वाला चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं SO4, यानी अम्ल और क्षारक में समानता क्या है।
मतलब जो अम्ल होते हैं, अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और क्षार में हाइड्रोजन की मात्रा OH की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो HCl है इसमें जो विद्युतीय चार्ज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धन का चार्ज होता है उसे हम क्या होते हैं, वो अलग होता है और ऋणायन अलग होता है, यानी धनायन ऋणायन, यानी इसे हम बोलते हैं कैथोड एनोड या एनोड या कैथोड आप कह सकते हो। एनोड को हम प्लस का चार्ज बोलते हैं और कैथोड को हम माइनस चार्ज बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, इसमें प्लस का चार्ज है, इसमें क्लोरीन क्या है, माइनस, तो ये क्या है, इनके अंदर सब क्या है, इनको अलग अलग कर दिया, यानी माइनस वाले को मैंने अलग कर दिया और जितना जो अलग हुआ जिसमें मैंने माइनस लगा दिया है, ये क्या है, ये सब ऋणायन है, क्या है, ऋणायन है, ऋण का आयन है, यानी निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अम्ल में उपस्थित धनायन जो होते हैं वो H होते हैं, अगर अम्ल में जो उपस्थित हो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव का चार्ज होता है और जिसके कारण अम्ल गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अगर H है तो अम्ल है, H है तो अम्ल है, अगर Cl है कहीं भी माइनस पॉइंट आ गया O भी है तो हम कहेंगे क्या है, वो क्षार है, ठीक है, इतनी बात आप समझ पाएंगे। तो इतना आप पढ़ते रहिए, बाकी आपको मैं डेली की डेली हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और इसी के साथ यदि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। नमस्कार।